हेलो एंड वेलकम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ द फूड शो। और गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की तरफ से हमें जो अप्रिसिएशन लास्ट वीडियो में मिली है, मजा आ गया यार। बहुत व्यूज मिले हैं कसम से, 1 मिलियन व्यूज हैं। वो आपको ग्लिच से 500 शो हो रहे हैं। गाइस, इसको इग्नोर करें। आज की वीडियो में स्पॉन्सर की है द फर्स्ट लेडी ने। द फर्स्ट लेडी इंस्टाग्राम के ऊपर कस्टमाइजेशन का बिजनेस करती हैं। आप फर्स्ट लेडी की प्रोफाइल में जाके वहाँ से मग्स, हैलोजन लैंप्स, मास्क, बहुत कुछ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया है, लाजमी जाइएगा। तो ऐसा, आज हम कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली आज हम ढूंढने जा रहे हैं मुल्तान में बेस्ट पराठा रोल कहाँ से मिलेगा। हमें रिकमेंडेशन मिली है अपने सब्सक्राइबर्स की तरफ से। बिल्कुल, हमें 2-3 रेस्टोरेंट की रिकमेंडेशन आई है, तो हमने उसमें से चूज किए हैं 2 रेस्टोरेंट्स और आज हम वहां जाएंगे। तो लेट्स सी क्या बनता है। चलो चले। तो गाइस, हम अपने पहले रेस्टोरेंट अलेमत पहुंच चुके हैं। लेट्स गो इन। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं यार? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का करम है यार। हम ना बड़े रिकमेंडेशन लेके यहाँ पे आए हैं, तो ये बताएं सबसे अच्छा रोल यहाँ पे कौन सा? पराठा, गार्लिक माया रोल। गार्लिक माया रोल, तो ऐसे भाई गार्लिक माया रोल ऑर्डर कीजिए। 2 रोल लें और साथ 2 ड्रिंक्स लें। थैंक यू सो मच। फ्यू मोमेंट्स लेटर। What do you think of it, Asan? यार ये जो है ना, मतलब दिखने में तो सही लग रहा है, लेकिन ये पराठे की जगह इन्होंने ना पूरी डाली हुई है इसके अंदर, तो ये वो ट्रेंड चल रहा है। इंग्रेडिएंट्स क्या है? इंग्रेडिएंट्स देखो, इंग्रेडिएंट्स तो देखते हैं इसमें क्या है। टिक्का डाला हुआ है इसमें, और इसके अलावा सैलड है, और गार्लिक मायो इसके अंदर, इनका जो सॉस है वो डाला हुआ है इसके अंदर, और ये एक चटनी है हमारी ऑडियंस ने हमें ये बोला कि आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा था यार, ग्रेट बोला था। ओके, सो द फर्स्ट बाइट इज हियर। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? यार बाकी सब तो ठीक है। टिक्का जो है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, और ये पूरी भी अच्छी लग रही है इसके साथ, लेकिन जो गार्लिक मेरा सॉस है ना, इसके अंदर गार्लिक की थोड़ी सी जो है ना एक्स्ट्रा वाली जो है वो फीलिंग, बड़ी स्ट्रांग वाली फीलिंग आ रही है, मतलब ठीक है, अच्छा है माशाल्लाह। सो लेट्स डू द टेस्ट टेस्ट बाय अजान भाई। तो अजान भाई बताएंगे अब कैसा लगा उनको। ये अजान भाई, इट्स जस्ट द सेम एज यू सेड। गार्लिक का टेस्ट बहुत ज़्यादा था। पराठा नहीं है ये, पूरी है। लिटिल टू ऑयली पूरी है ना, टिक्का बहुत अच्छा। और मैंने ये सॉस के साथ ट्राई नहीं किया, तो लेट मी डू दैट अगेन। देखें थोड़ा सा टेस्ट बेटर हुआ सॉस के साथ। अच्छा, आई लाइक दैट। तो पहले हम इसे खाते हैं, देन टोटल रिव्यू करते हैं। ओके, सो गाइस, हमने अलनेमत से तो पराठा खा ली है, अब हम जा रहे हैं अगले रेस्टोरेंट की तरफ, जो कि है दोस्ती।
So stay tuned. भैया मुझे भी एक पराठा रोल खिला दो यार यार। ओए ओए एक पराठा रोल मेरा भी ले ले। जी भैया। ओए ओए कोई स्लोमो दिखा दो। अबे यार पराठे बन रहे हैं, स्लोमो दिखाओ स्लोमो। ये चीज अबे अब क्या स्लोमो ही दिखाते रहोगे यार। अबे कोई व्लॉग दिखाओ यार वापस। अबे कौन लेके आता है यार, कौन लाता है। सो हियर वी आर एट दोस्ती एंड हमने क्योंकि पराठा रोल्स खाने हैं तो अजान भाई यहाँ पर जो है कबाब रोल है, टिक्का रोल है, हॉट एंड स्पाइसी रोल है, एक टिक्का रोल है, मलाई रोल है। यार ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि हम मलाई रोल ट्राई करते हैं। आप क्या कहते हैं अजान भाई? तो इसका है क्योंकि हमने वहाँ गार्लिक मलाई रोल खाया है, तो उसका जो क्लोजेस्ट राइवल है तो मलाई रोल। ओके ओके ओके। Finally, the paratha roll at Dosti is here. See. This looks like a genuine paratha. हाँ, looks like क्या है ही genuine paratha भाई। तो ये अच्छी चीज़ है paratha यार, यहाँ पे वहाँ तो खैर पूरी थी, तो taste करके देखते हैं। चलें जी, let's try कि जी कैसा है। Patience. Don't do anything stupid. अच्छा है, अच्छा है। नहीं मतलब इसके अंदर जो है बारबेक्यू वाली जो है वो खुशबू आ रही है, साथ पराठे का जेन्युइन पराठे का टेस्ट है और ठीक है। अजान भाई आप जो है इसको ज़्यादा अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। तो जी मैंने तो कर लिया टेस्ट इसको और मैं इसको सही तरीके से रेट नहीं कर पाया, तो अजान भाई अब जो है इसका टेस्ट लेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से। यार अजान भाई लेट मी टेक द फर्स्ट बाइट। इट्स लाइक यू आप जाएं और किसी दुकान से ना मस्त किस्म का टिक्का बोटी लेकर, और उस टिक्का बोटी के साथ आप घर पे अम्मा से बेहतरीन किस्म का पराठा बनवाएं, उस पराठे के साथ ये खाएं, दिस विल गिव यू द सेम टेस्ट। मजे का है, अच्छा लगा मुझे ओवरऑल, समथिंग लैक्स। ये जो है आप पहले इसको सॉस के साथ ट्राई करें। हाँ वहाँ भी सॉस के साथ ट्राई किया था, यहाँ भी सॉस के साथ ट्राई करते हैं। Not that thick, not that creamy, yet I like that. तो इसको पूरा खाते हैं उसके बाद पूरा रिव्यू करते हैं। Okay. Coming to Unlimited. Unlimited was good, but where Unlimited lacked was environment. यार भाई environment तो दो। आपने उसको ऊपर अपने open air आपने उसको कर दिया अपने restaurant को, क्योंकि obviously dining बंद है। At least उसको decorate करो। They lacked that taste. हाँ, अब उसका जो taste है भाई मुझे बहुत पसंद है, इसमें कोई शक नहीं है, बट आई ऑलरेडी सेड आई एम अ डोमेस्टिक टाइप ऑफ अ पर्सन। मुझे जो दोस्ती का पराठा रोल था मुझे बहुत पसंद आया, आई रेट दैट 8/10, बट अलेमल का जो पराठा रोल है आई रेट दैट 7.5/10। तो इफ यू आस्क मी फॉर अ वन लाइनर, तो वन लाइनर यही है कि इफ यू वॉन्ट टू हैव डोमेस्टिक सॉर्ट ऑफ टेस्ट प्लीज विजिट दोस्ती, एंड इफ यू वॉन्ट टू विजिट अ फंकी क्रिस्पी टाइप टेस्ट जहाँ पे पराठा और मतलब एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा हैवी टाइप ऑफ डोज आपको चाहिए, तो आप प्लीज़ विजिट करें अनलिमिटेड। तो इट्स अ 7.5 वर्सेस 8। तो हाँ वन थिंग आई वांट टू ऐड, वी हैवंट फाउंड द बेस्ट पराठा रोल इन मुल्तान। मैं रेट नहीं करूँगा, दोनों बहुत अच्छे थे, इन कंपैरिजन मेरे लिए दोस्ती बेहतर था, बट
we still haven't found the best paratha roll in Multan. Off to you, Asan. All in all, अगर आप मुझसे पूछें कि इन अ बॉटम लाइन कि क्या वो था, मैं रेट करूँगा अल नेमत को 9 रेट करूँगा, 9 आउट ऑफ 10, और जो दोस्ती है उसको मैं स्टिल वही 8 पॉइंट्स दूंगा आउट ऑफ 10. बट इन द एंड हमें बेस्ट टाइटल वाला जो पराठा रोल है वो नहीं मिला अभी, तो यानी वी आर गोइंग फॉर अ पार्ट टू इंशाल्लाह. सो द हंट फॉर द बेस्ट पराठा रोल इन द टाउन इज स्टिल कंटिन्यू, और हम आप लोगों से वैसे ही रिस्पांस चाहेंगे जैसे आपने पहले दिया है. माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है आप लोगों ने, आप लोग बहुत मोहब्बत के हकदार हैं हमसे, चाहे ग्लिच से शो हो रहे थे 5K. बहरहाल तो इसी तरह से अपनी सपोर्ट और मोहब्बत हमें शो करते रहें. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, हम क्योंकि हमारा स्टार्ट है तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, प्लीज़ कमेंट्स करें, इंगेज हो हमारे साथ, और जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें. तो प्लीज़ शो योर सपोर्ट और नीचे कमेंट बॉक्स में लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, और हमारे साथ रहिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कुछ करें यार.